और इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला गिरफ्तार कर लिए गए। जी हां, झाबुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झाबुआ में बीजेपी चुनाव प्रभारी हैं रमेश मेंदोला। बाहरी लोगों को कल शाम 5 बजे छोड़ना था झाबुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने धारा 188 के तहत ये कार्रवाई की है। रमेश मेंदोला का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा गुजरात जाते समय पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, जो कि सरासर गलत है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला को पुलिस ने, झाबुआ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झाबुआ में वो बीजेपी चुनाव प्रभारी हैं। आपको बता दें झाबुआ में कल वोटिंग होनी है और ऐसे में निर्देश था कि जो बाहरी लोग हैं वो कल शाम 5 बजे, कल ही शाम यानी 19 तारीख शाम 5 बजे उन्हें झाबुआ छोड़ना था, और ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस ने धारा 188 के तहत रमेश मेंदोला को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़े हैं। अरुण, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है रमेश मेंदोला की, उसके पीछे की वजह? बिल्कुल, देखिए रमेश मेंदोला वहां के झाबुआ के चुनाव प्रभारी हैं, बीजेपी की ओर से वो वहां पे चुनाव देख रहे थे और करीब 1 महीने से वो वहां पर मौजूद थे। और जो भानु भूरिया है वो रमेश मेंदोला के काफी करीबी माने जाते हैं, जो चुनाव वहां से लड़ रहे हैं। तो यही कारण था कि उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, रमेश मेंदोला की भी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। यही कारण था कि उनको यहाँ से, हालांकि 5 बजे कल शाम 5 बजे झाबुआ छोड़ देना था, लेकिन उन्होंने झाबुआ नहीं छोड़ा और यही कारण है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि रमेश मेंदोला गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन रमेश मेंदोला का जो कहना है, उनका कहना है कि वो गुजरात जा रहे थे, कनकेश्वरी देवी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुजरात जा रहे थे, इसलिए वो झाबुआ से निकल रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर किया है। उन्होंने कल शाम 5 बजे झाबुआ छोड़ दिया था। रमेश मेंदोला अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, उनको चौकी पर बिठाया हुआ है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और दूसरी ओर जो बीजेपी के एक और नेता है गौरव रणदीपे, उनको भी राणापुर में गिरफ्तार कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने भी झाबुआ क्षेत्र है वो नहीं छोड़ा था। चुनाव आयोग के निर्देश है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति चुनाव के समय मतदान के दिन वहां पर नहीं रहेगा, वो वहां पे वही लोग रहेंगे जिनका अधिकृत वोटर आईडी है, वही वहां पर रुक सकते हैं। लेकिन ये लोग अनधिकृत रूप से रुके हुए थे, इसीलिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब ये बड़ा मामला है कि पुलिस के लिए भी कि ये जो इनका कहना है कि हम झाबुआ जा रहे थे, तो वो इस बात की जांच कर रहे कि आखिर वो सही में झाबुआ से गुजरात जा रहे थे या झाबुआ में रुके हुए थे, इस बात की भी तस्दीक की जा रही है। लेकिन फिलहाल तो उनको गिरफ्तार कर लिया है और अगर अब इसमें जो चुनाव हो जाएगा, मतदान हो जाएगा, उसके बाद ही उनको छोड़ा जाएगा, रमेश मेंदोला को और गौरव रणदीपे को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण त्रिवेदी आपका तमाम अपडेट के लिए। तो चुनाव के बाद हालांकि इनको छोड़ दिया जाएगा, जो धारा है बहुत मामूली धारा है, आपको बता दें 188 के तहत गिरफ्तारी हुई है, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, कानून का उल्लंघन हुआ है, लिहाजा झाबुआ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रमेश मेंदोला को गिरफ्तार कर लिया। वो दलील दे रहे हैं कि वो गुजरात जा रहे थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।